नहीं है तो आपके एक मसले में चर्चा नहीं होगी, चाहे आप भूखे मरो, चाहे आपको इलाज ना मिले, अच्छी पढ़ाई ना मिले, चाहे आपके जुन जाति में अत्याचार हो, क्योंकि आवाज उनकी उठी उनके अंदर नेता होता। आपने नवनगर में क्या मजाक किया, जिनके 5-7 हजार वोट है उनका नेता है और जिनके लाखों वोट है उनकी गलियों की हालत देखो, उनके घरों की हालत देखो, उनके बच्चों के भूखे पेट देखो। ये राम मैंने आपको उठा कहनी पड़ेगी कि आपने लोकतंत्र की हत्या की। अगर वास्तविकता में आप हमारे काशीराम साहब की बात पर पहरा देने वाले होते, आप बाबा साहब की बात पर पहरा देने वाले होते, तो ऐसा कभी नहीं होता कि जिनके थोड़े से वोट वो विधायक होते और जिनके बहुसंख्यक होते वो गेट के बाहर खड़े होते, ऐसा कभी नहीं होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे लोगों, जब आप वोट देकर दूसरे व्यक्ति को जिता सकते हो तो आप अपने एमएलए क्यों नहीं बना सकते, यहां ये बताओ मुझे। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, देखो बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि हम यहां विधायक को छोड़ो, हम यहां चेयरमैन नहीं बना पाए, पांच सौ नहीं बना, बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये भी बताओ मेरे भाई, इसके लिए एक सर सर हर आदमी अपने बारे अपनी बात मत करे, मेरी बात पे गौर कर ले। इसके लिए हम ही चुनाव हुए ना बलेश्वर वाले हुए, हाँ छोड़ दो बता, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको समझा सकता हूं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपका अंगूठा भी पकड़ सकता हूं, आप अच्छा बुरा कुछ समझ सकते हो। आज हालात क्या, जो पढ़े लिखे भाई यहां होंगे और जो पुराने एमिशन भी लोग होंगे, अपने दिल पे आकर के पूछो, क्या 5 साल बाद कोई सरकारी नौकरी रहेगी देश में? और अगर सच कहूं, अगर ये वोट की शक्ति आपके पास ना हो, आपकी गली में पैर रखने नहीं आएगा। देखो सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट हो गए, तमाम में निजीकरण चल रहा है, किसान परेशान है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और छोटे पार्टियों को यहां बसों में बैठकर पेपर लीक होते हैं, आपके यहां पे बस की बस बैठ के, और वो गरीबों के बच्चे नहीं है, ये भी याद रखो। नेता जी का बेटा क्या तो विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, चेयरमैन बनेगा या फिर अधिकारी कर्मचारी बनेगा? विधायक जी के रिश्तेदार क्या तो नेता बनेंगे या फिर वो अधिकारी कर्मचारी बनेंगे? और आपके बच्चे वो पढ़ लिख के वो घर में इंतजार करेंगे कि कब कोई भर्ती निकले और हमें हमारे हिस्से में कोई नौकरी आए। मैं बहुत पूरे राजस्थान को कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, आप अपनी समस्याओं का एक लिफाफा बना लो और वो लिफाफा मुझे दे दो और मैं आपसे 10-20 साल नहीं मांग रहा, फिर आप काम पर लग जाओ 2 महीने के लिए जितना समय बाकी है, और फिर आप एक एक आदमी, जैसे आज मैं आपसे कह रहा हूं, एक आदमी को तैयार करें कि भाई देखो हमें बहुत दिनों के दूसरों को अवसर देते हो, आप हमें अपनी ताकत बनानी है, क्योंकि जब हमारी ताकत नहीं होगी, साहब कहते थे जिनका नेता नहीं होता उनकी कोई बात नहीं होती, वो कहते थे जिनका दल नहीं होता उनके पास बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। इसलिए आपसे कह रहा हूं, रुक जाओ रुक जाओ, ये तो मैं 9 दिन से सुन रहा हूं। देखो एक काम करो बस, और ये बताऊंगा क्यों करना, ये भी बताऊंगा। आज के बाद एक आदमी को तैयार करें जो हमसे सहमत नहीं था, और जितने दिन बाद वोट गिरेगी, चाहे 40 दिन बाद या 42 दिन बाद, आप चेक करना आपकी संख्या यहां 50-60 हजार हो जाएगी,
और 50-60 हजार तक लोग आप अपनी पार्टी अपने झंडे को मजबूत करोगे तो आपका विधायक जीतेगा। जब आपका विधायक जीतेगा ताली में बजाओ, बोल से सुनो, आपका ध्यान बढ़ जाएगा। आज के हालात प्रदेश में ये है कि नेतपुर एक फाइट है, जिनके पास 4-5 MLA होंगे उनके कुर्सी के 2 पाने होंगे, हम जिनको चाहेंगे वो कुर्सी बैठेगा। और हमें बहुत दिन लोग इनको बिठाते हैं, हम अपने लोगों को बिठाना चाहते हैं कुर्सी पे, और हमारे लोग पीछे घरों में तमाशा भी देखेंगे। जिसको बीजेपी को रोकना वो हमारे लोगों को ताकत दे, हमारे लोगों के साथ खड़े हो। कहिए ये थे कि हमने ये छोड़ा, आप मुझे बात करो, आपको अगर ये दूसरी पार्टी इतनी अच्छी होती जिनकी आप सरकार हमारे लोग कर रहे हैं, ये अगर हमने इनका साथ दिया तो बीजेपी आई कॉन्फ्रेंस करने पड़ते, ये तो यही थे मैं बता दूंगा। तब इन्होंने आपको अधिकार क्यों नहीं दिए? बाबा साहब इन्हीं के राज में कितने अपमानित हुए, खून क्या सोए, और इनसे लड़ते रहे कि नहीं। जब आप देश की बात करें तो मेरे लोगों के बारे में सोचो। इसलिए आपसे कह रहा कि इन सब के होते हमें कुछ नहीं मिला, आज हम समझने लगे, जानने लगे, पढ़ने लगे हो गए, तो ये हमें रास्ता बता देंगे उन्हें लोग को। हम इनको रोकने में अपनी एनर्जी लगाए या खुद को आगे बढ़ाने में अपनी एनर्जी लगाए, आप बताओ। एक आदमी का दरवाजा गेट पड़ कर खड़ा रहेगा, किसी को अंदर नहीं जाने देना, किसी को बाहर नहीं जाने देना, वो मजबूत होगा जो राज्य अपनी मंजिल का सफर तय करेगा, वो मजबूत होगा, आप बताओ। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, खाली नारों से काम नहीं चलेगा, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचो। ये जो बच्चे हैं दीवारों बच्चे हैं, अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचो। और ये भी पूछो उनसे कि जो अधिकार हमें मिले हैं, अगर हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के नहीं रखा तो आने वाली पीढ़ी हमसे क्या सवाल करेंगे या नहीं करेंगे, और हमारा स्वागत कैसे करेंगे? अगर कोई पिता अपनी संपत्ति को बेच दे, लुटा दे, तो उसकी संतान उसकी इज्जत नहीं रखती है? बाबा साहब ने अपनी तरह से बच्चों कुर्बान जैसे अधिकार हमें दिए थे, और आज हम लोग उनके दिए गए अधिकार को नहीं बचा पा रहे। रोटी कपड़ा मकान आपको मिल जाएगा, लेकिन स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिलेगा। अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए तो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। और जिस कौन में जिस समाज में कुर्बानी देने का कीमत चुकाने का जज्बा नहीं होता, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता, ना स्वाभिमान सम्मान प्राप्त करता। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आज अपराध होने पर न्याय नहीं मिलता, जबकि न्याय जनता का अधिकार है। आज कोई बोलता है तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो जाता है, सीबीआई की इनकम टैक्स केंद्र सरकार मुंह करती है, एनआईएस छोटे मुकदमे जेल, और जब मेरे जैसे लोग इनसे नहीं करते तो फिर ये गोली चलाते हैं। मेरा समय अच्छा है क्योंकि मेरे कंधों पर जिम्मेदारी, मेरी जान तो बच गई। जिस दिन मेरे ऊपर गोली चली उसी दिन मैंने तय कर लिया ये जीवन मुझे मिला है मेरे संतों गुरुओं महापुरुषों के आशीर्वाद से, मेरी मां बहनों के आशीर्वाद से। मैं एक एक मिनट समाज को जगाने में लगाऊंगा, जब तक समाज अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता मैं रुकूंगा नहीं। इसलिए जैसे मेरा जगह भरा मैंने अपने साथियों में आगे तैयारी कर लो। ये लोकतांत्रिक देश हम किसी के पिछले भी बड़े गिरे के हाथ नहीं फैलाएंगे। जैसा मैंने कहा कि लिफाफे में अपनी समस्या बना लो, मुझे 6 महीने का समय दे दो आपको। 6 महीने में अगर आपकी समस्या है हल की तो आप मुझे कहना कि चल जाएगा, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन इस सबके साथ कि आपको मुझे वो ताकत भी देनी पड़ेगी कि मैं इनके हलक में हाथ देकर इनका आपके अधिकार लेकर निकाल सकूं, वहां से इनके जबड़े में हाथ दे सकूं। अगर आप ये कहो राजनीतिक शक्ति के संभव है तो ऐसा नहीं है। हम 5 लाख लोग भी जयपुर में 5 दिन बैठे रहेंगे कोई भी सुनेगा नहीं, लेकिन अगर हमारे 5 MLA भी होंगे तो पूरी सरकार को मुझे सुनना पड़ेगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी ताकत बनाओ और लोगों की हत्या मत करो। आपकी ओर से अगर ऐसे लोग ताकत और होंगे तो फिर वो आपका भला नहीं करेंगे। इसलिए आपकी शिकायत कर रही है कि विधायक जी ने ये नहीं किया, विधायक जी ने वो नहीं किया। मैं कह रहा हूं नीचे से ऊपर तक संगठित होकर अपना बनाओ, और विधायक जी को भी बताओ कि जो हमसे छल करेगा हम उसको विधायक छोड़ो, चेयरमैन भी बनने लायक, पार्षद बनने लायक।
अगर आप अपनी शक्ति का एहसास नहीं कराओगे तो हम आपको गुलाम समझ के गुजरते रहेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, आज हमारे कंधों में जिम्मेदारी है अपने समाज को कंधों पर बिठा के आगे बढ़ाने की। नौजवान सिर्फ नाम तक सीमित ना रहे, नौजवान जिम्मेदारी उठाए जैसे वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए, समाज की जिम्मेदारी उठाए, अपने प्रदेश और देश की जिम्मेदारी उठाए और जिम्मेदारी उठाए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की, उसको लागू कराने की। क्योंकि जिस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा उस दिन भारत सोने की चिड़िया बनेगा, उस दिन भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनेगा, उस दिन अम्बेडकरवाद का राज आएगा। अभी अभी बिहार में आजादी का जनगणना हुई, आपने ध्यान दिया उसके आंकड़े जारी हुए और आंकड़े कहते हैं कि 90% आबादी बिहार में बहुजन समाज की है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और आप राजस्थान में करा लो, अगर 90% नहीं की तो मुझे कहना। लेकिन ये 90% लोग अगर उनका राम नहीं आ रहा तो उनका मनोबल क्या हुआ? इनको लगता है ये नहीं कर सकते। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज स्थिति गलत मरो की है, आगे बढ़ो, ताकत बनाओ, संगठित हो, लोगों को जागरूक करने का काम करो और अपने अधिकार छीन के ले लो, कोई आपको मांगने से कुछ नहीं देगा। और अगर आपने कर लिया तो आपकी तरक्की को राजस्थान में कोई रोक नहीं सकता है। और जो समाजवाद का कर राजस्थान बना हुआ है, इस समाजवाद की जड़ें खोली जाएगी 2023 में अगर आपने अपनी ताकत बना ली, क्योंकि हमारी लोग ताकत बना के और हमारे लोग का शोषण कर रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा भाई अनिल जी का, जो हमारे नेता है और बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिन्होंने गली गली जाते हैं लोगों को जगाने का काम किया, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने अपना कैरियर छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर, वो नौकरी करते थे, उन्होंने वो इस मूवमेंट का हिस्सा बने क्योंकि उनके मन में समाज की एहसास है। और मैं मानता हूं अगर आपने ऐसे नौजवान को मौका दिया तो मैं लिख के देता हूं कि आपका हाथ नहीं उठाएगा उसके सामने। और हम ये जानते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये हमारे बाएं हाथ का खेल, हमारे अंगूठे का खेल। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सब अपनी जगह पे खड़े होकर मेरे साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दोहराएं और भारतीय संविधान की रक्षा का संकल्प लें। आप दीवार के लोग मत खड़े होना, आपने पहले गलत जगह चुनी, नहीं बैठो तुम लोग मत खड़ा बेटा, तुम्हें अगर किसी को चोट लगी तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। हम भारत के लोग, जिस तरह से अपने परिवार की रक्षा करते हैं,
ख्याल रखेंगे, अपने प्रदेश का ख्याल रखेंगे, अपने देश का ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।